बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल स्कॉर्पियन व्लॉग के ऊपर। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। होप सो कल वाली वीडियो आपने देख ली होगी। हमने एक मशीन थी छोटी सी S9S, मेड इन चाइना मशीन है, उसका हमने रिव्यू किया था। मैंने आपको उसकी कुछ डिटेल्स बताई थी, ऑयल एवरेज का बताया था और उसकी प्राइसिंग वगैरह का उस वीडियो में मैंने बताया था। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसा कि उस वीडियो के लास्ट में मैंने जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में इस मशीन से डिफरेंट चीज़ों का हम ऑयल निकालेंगे, उनकी मैं आपको एवरेज बताऊंगा, उनके प्रोसेस दिखाऊंगा और सारी तफसील उसके बारे में बताऊंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसी के रिलेटेड होगी। ये मशीन है हमारी जिसकी मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो आज हम इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस आपको दिखाएँगे। आज जिस चीज़ का हम ऑयल निकालने लगे हैं वो है बादाम। इस मशीन में से बादाम का ऑयल निकालेंगे, उसमें वो प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है और तेल की हमारे पास कितनी एवरेज आती है, सारी तफसील मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। तो जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो मशीन हमने ऑन कर ली है अपनी, उसी तरह सेम वही प्रोसेस, और अभी टेम्परेचर भी हमने 150 पे सेट कर लिया है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी मशीन गर्म होने के लिए। दूसरी साइड वो ये हमारे पास बादाम है जिनका आज हम ऑयल निकालेंगे। बादाम की क्वालिटी भी आप देख लें, बाकी इंशाल्लाह इसको निकालते हैं और फिर इसकी कम्प्लीट एवरेज मैं एंड पे बताऊँगा वीडियो में। टेम्परेचर हमारा अभी 130 पे पहुँच चुका है, अभी हम मशीन को चलाएंगे इसको। मशीन हमारी ऑन होगी अभी, सेम वही प्रोसेस है बादाम के लिए भी। आप स्टार्टिंग पे आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालें ताकि मशीन रवानगी से चल पड़े एक दफ़ा। तेल या नीचे हमारे पास निकलना शुरू हो चुका है इसका। इसी तरह खल हमारे पास दूसरी साइड पे निकल रही है सेम उसी तरह। हमारा प्रोसेस जो है आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। बादाम की अगर गौर करें आप इसके ऊपर, तो बिल्कुल खुश्क बादाम आपने यूज़ करने हैं इस मशीन में तेल निकालने के लिए। तेल का निचोड़ भी आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से तेल निकल रहा है हमारे पास। 160 पे टेम्परेचर हमने सेट किया है, तो अगर बादाम आपने इस मशीन में निकाल लें तो 160 का टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट है। इसी तरह दूसरी साइड पे हमारी खल जो है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नफ्लेक्स की तरह इसके फ्लेक्स हैं, बिल्कुल खुश्क।
स्टार्ट करें। अभी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद सिंपली मशीन को हम थोड़ा सा रिवर्स चलाएंगे। मशीन हमारी रिवर्स चल रही है, जो भी इसके अंदर कचरा वगैरह बाकी रह जाएगा वो बाहर आ जाएगा इस तरह, और इसकी सफाई कर लेंगे आसानी से हम। अभी इसके बाद आपको इसकी एवरेज दिखाते हैं कि हमारे पास तेल की क्या एवरेज आई है। यहाँ पे तेल हमारा निकल चुका है और इसकी एवरेज आप देख सकते हैं, वेट इसका 1 किलो 348 ग्राम हमारे पास तेल आया है। टोटल हमने 3 किलो बादाम यूज़ किए थे इसमें, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कितना तेल आया। बहुत अच्छी एवरेज दी है इस मशीन ने। तो जी ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस जिसमें हमने बादाम का तेल इस मशीन से निकाला है। आप लोगों ने होप सो देख लिया होगा सारा प्रोसेस। अब थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी एवरेज और इसको प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा, यानी कि इसमें से आपने अगर 1 किलो बादाम निकालने तो कितने टाइम में ये उसका तेल निकाल देगी ये मशीन। तो प्रोसेसिंग टाइम की इसकी बात करें तो ये आपका जो 1 घंटे में तकरीबन 6 से 7 किलो जो है ना बीज उसको प्रोसेस कर सकती है, क्योंकि हमने अभी 3 kg निकाला है और बहुत स्लो स्लो निकाला है, तो उसको आपने देखा है कि हमें तकरीबन 40 मिनट लगे हैं 3 किलो निकालने में। तो वही अगर हम इसका हॉपर भर देते ऊपर से और इसको चलने देते तो हमारा टाइम जो है वो कम हो सकता था। तो इसी तरह इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है, जैसे कि मैंने बता दिया है, 1 घंटे में तकरीबन 6 किलो आप लगा लें कि ये आपका बीज जो है प्रोसेस कर देती है। और दूसरे नंबर पर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आप लोगों ने देख ली है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि इस मशीन की ऑयल की एवरेज जो है वो हमारी जो मेड इन पाकिस्तान इस तरह की मशीन हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो हम दूसरी मशीन में भी बादाम का ऑयल निकालते थे, उसमें हमारे पास तकरीबन 1 किलो बादाम अगर लेते हैं उसमें से 250 ग्राम तेल निकलता था साफ। लेकिन अगर इस मशीन की बात करें तो इस मशीन में तेल निकलता भी बहुत साफ है, आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल साफ तेल निकल रहा था। और दूसरा ये कि इसकी एवरेज भी ज़्यादा आती है। इस मशीन में से अगर आप 1 किलो बादाम निकालते हैं तो आपके पास साफ़ सुथरा तेल 400 ग्राम तक आप लोगों के पास आ जाता है, 350 से 400 तक। तो ये इसकी कंप्लीट एवरेज थी और इसकी सारी डिटेल्स थी। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।